मंगलपुरी में एमसीडी का दस्ता मंदिर तोड़ने पहुंचा, स्थानीय लोगों ने किया विरोध, दस्ता वापस लौटा। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के मंगलपुरी के जी ब्लॉक की है, जहां पर आज सुबह दिल्ली नगर निगम का दस्ता भारी पुलिस बल व अर्धसैनिक बल के साथ मंदिर को तोड़ने के लिए पहुंचा था, लेकिन सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ कई हिंदू संगठन भी वहां पर पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर दिल्ली नगर निगम का दस्ता व अर्धसैनिक बल वह दिल्ली पुलिस का दस्ता वापस लौटने पर मजबूर हो गया। बताया जा रहा कि मंदिर 35 से 40 साल पुराना है, लेकिन जिस दौरान इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था उस वक्त प्रशासन कौन सी नींद सो रहा था, क्योंकि जिस वक्त मंदिर का निर्माण किया गया उसी वक्त प्रशासन ने क्यों नहीं रोका, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जब मंदिर के अंदर पुनर्निर्माण किया जा रहा था उसी दौरान दिल्ली नगर निगम का दस्ता वहां पर पहुंचा और मंदिर को तोड़ने के लिए भारी पुलिस बल का प्रयोग किया, लेकिन वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों, महिलाओं व कई हिंदू संगठनों ने पहुंचकर इस बात का पूर्ण जोर विरोध किया, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम का दस्ता व अर्धसैनिक बल दिल्ली पुलिस को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि स्थानीय लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है और प्रतिवर्ष इस मंदिर में कई तरह की पूजा की जाती है, जिसको लेकर हिंदू रीति रिवाजों के तहत नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और सावन माह में शंकर भगवान की। इसके अलावा भी कई हवन व पूजन इस मंदिर के अंदर किए जाते हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो प्रशासन की नींद टूटी और मंदिर को तोड़ने के लिए अर्धसैनिक बल व दिल्ली पुलिस के साथ मंदिर को तोड़ने के लिए पहुंच गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों सहित कई हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और प्रशासनिक अधिकारियों को मुंह की खानी पड़ी और वहां से वापस जाना पड़ा। कल ये हमें सूचना कल मिली कि यहाँ प्रशासन आने वाला है और डेमोल्यूशन के लिए, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग सारे हिंदू संगठन जितने भी हैं हमारे सब लोग इकट्ठे हुए और आज प्रशासन आप देख रहे हैं कि आज ये डेमोल्यूशन रुक गया है और ना ये डेमोलिशन होगा ना फ्यूचर में भी होगा, ये क्योंकि ये 35 साल पुराना मंदिर है और हिंदुस्तान में अगर मंदिर तोड़े जाएंगे तो प्रशासन किसकी तरफ मुड़ रहा है आप समझ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे मंदिर को टारगेट करते हैं, हमारे धार्मिक स्थलों को टारगेट करके ऐसे लोगों के मंसूबों पर हम पानी फिरने का काम करेंगे। आगे हिंदू एकता आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और आगे भी मंगोलपुरी में या आसपास में दिल्ली में कोई भी मंदिर नहीं टूटा जाएगा, ऐसा हम वादा करते हैं। इसके पुलिस के द्वारा तो अभी विषय कर दिया है, अभी जांच का विषय है कौन कंप्लेंट लगा रहा है, किस में हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेंटर को किस तरह से बात करेंगे ना। ये आज जो डेमोलिशन रुका है ये सिर्फ हम संख्या बल को देखकर, क्योंकि यहाँ पे अगर डेमोलिशन होता तो किसी भी तरह से हम पीछे हटने वाले नहीं थे, चाहे हमारे साथ कोई भी, चाहे प्रशासन किसी भी तरह से हमारे साथ पेश आता तो हम पीछे हटने वाले नहीं थे। हमारे साथ हजारों की संख्या में माताएं बहनें मंगोलपुरी से आई हुई हैं, सब लोग मंदिर के पास खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं और भी धार्मिक स्थल हैं, और भी धर्म के लोग हैं, जिस तरह से वो अपने सामने आगे खड़े हो जाते हैं इसी तरह आज हम लोग खड़े हुए हैं और आगे भी हम इसी तरह से खड़े रहेंगे। बताएंगे जरा, ये एमसीडी के द्वारा यहाँ मंदिर तोड़ने का काम हो रहा था और ये इसकी सूचना दी गई थी अध्यक्ष साहब के थ्रू और अभी ये काम रुक चुका है, अब मंदिर नहीं टूट रहा है। ये कितने साल पुराना मंदिर है? मंदिर तो बताते हैं कि 40-45 साल पुराना है। हम भी यहाँ पे, हमें जैसे सूचना मिली है हम भी यहाँ पे आए हैं, मंदिर काफ़ी पुराना है और यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ पे मंदिर को रोकने के लिए, तोड़ने से रोकने के लिए, जितनी भी महिला शक्ति है यहाँ की, महिला शक्ति ने पूरे मंदिर को घेर रखा था और मंदिर को ना टूटा है जो मंदिर, इसमें महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है, महिलाओं ने पूरा अपना साथ वो करा है। तो इसमें कोई नोटिस वगैरह या कोई संबंध वगैरह नहीं दिया? ये जी नोटिस दिया होगा लेकिन ये एक षड्यंत्र है, मंदिरों पर धार्मिक स्थलों पर षड्यंत्र है ये हमला करने का और इनको तोड़ने का। अगर इतनी ज़्यादा होती है कि रोड बंद करके नमाज पढ़ते हैं सड़क पर, जब क्यों नहीं जाते पुलिस, जब कोई डिपार्टमेंट क्यों नहीं जाता, पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी चले जाओ किसी भी तरह से देख लो आप, हर जगह रोड बंद करके हर शुक्रवार को पढ़ते हैं, यहाँ कौन रोड पे पूरा बंद करके बैठता है, यहाँ पे यहाँ तो नहीं बैठते ना, यहाँ अगर पूजा होती है मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, एक साइड बैठ के पढ़ लेंगे या कुछ पूजा करेंगे तो महिलाएं जाती है अंदर मंदिर में या जो भी लोग जाते हैं अंदर जाके पूजा करते हैं, और यहाँ सड़कों पे बैठ के जो सड़क बंद करके नमाज करते हैं और उसके बाद पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी भी करते हैं, जब नहीं दिखता इन्होंने क्या है, एक मंदिर, छोटा सा मंदिर जो यहाँ लोगों की, इतने लोगों की आस्थाएं जुड़ी है, इसका तोड़ने के लिए आ रहे हैं।
तो अब ये कार्रवाई पूरी तरह से रोक दी गई है। हाँ, अब ये कार्रवाई रोक दी गई है और मंदिर टूटेगा नहीं, और पूरे क्षेत्र के लोग जितने हैं इन सबके सहयोग से और सभी हिंदुओं के सहयोग से इस मंदिर को तोड़ने से रोका गया है। और यहाँ की जो मैं कहता हूँ कि महिला शक्ति और यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन सबका भी धन्यवाद करेंगे, उन्होंने जो मंदिर को टूटने से रोकने के लिए पूरा योगदान दिया है। और सभी भाइयों को मैं बोलूँगा कि सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अपनी हिंदू एकता को बना के रखें जिससे आगे भविष्य में कोई ऐसा काम न हो। ये मामला क्षेत्रीय विधायक निगम पार्षद और कुछ कार्यकर्ता मिली भगत से शिकायत की गई है। एक तरफ तो मस्जिद वाला को पंगा दे रहा है, मंदिर वाला को हमारे को पंडित को कोई सैलरी नहीं मिलती, ये उनकी बुखला रहे हैं इसमें आम आदमी पार्टी वाले। लेकिन हम उनको बोलना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर क्षेत्रीय विधायक जी एक ईंट भी टूटी तो हम आपका ऑफिस तोड़ने का प्रयास करेंगे। और सभी देवतुल्य निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहनों का धन्यवाद, सभी हिंदू एकता मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। जो रोका गया है इसमें बताते हैं हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष इकट्ठे हो गए थे और उसका विरोध किया। विधानसभा के निवासियों देवतुलों को धन्यवाद, और सभी ने मिलकर अपना एकता हिंदू को दिखाया एकता, और सभी की वजह से मंदिर रोके गए और सरकार अधिकारी वापसी भगा देंगे। लेकिन ड्रामा करने के लिए क्षेत्रीय निगम पार्षद आई और नाटक करने, शिकायत भी खुद करते हैं और नाटक करने खुद आते हैं।